अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में विभिन्न आसन किए। योग फॉर वासुदेव कुटुंबकम थीम पर आयोजित नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने योग के विभिन्न आसन किए। उनके साथ मंदिर में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह इस विरासत पर गर्व करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग भारतीय मनीषा की तरफ से विश्व मानव कल्याण के लिए दिया गया एक उपहार व माध्यम है। भारतीय ऋषि परंपरा से प्राप्त यह ऐसी विद्या है जो शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में योग की महत्ता को अंगीकार कर आज दुनिया के लगभग 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़कर भारत की ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। वैश्विक मंच पर योग की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी कि वास्तव में अगर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो केवल और केवल योग से हम सब इसको आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व शांति का मार्ग आगे बढ़ाने में योग माध्यम बन सकता है। योग भारतीय परंपरा का हिस्सा है। सीएम योगी ने कहा कि भारत ऐसे ही विश्वगुरु नहीं हुआ है। यहाँ जो कुछ भी है वो व्यवहारिक है, पहले से प्रमाणित है। योग भी उसी परंपरा का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हजारों वर्षों की भारतीय मनीषा की परंपरा योग हम सब की विरासत का हिस्सा है। हमें योग की विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हजारों वर्षों से जिस योग को हम अपने जीवन का हिस्सा मानते रहे हैं वह आज वैश्विक मंच पर छाता हुआ पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की आयुष पद्धति संपूर्ण आरोग्यता प्रदान करने वाली है। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में पिछले 3-3.5 साल में जिस महामारी की चपेट में पूरी दुनिया आई थी, उस कोरोना कालखंड में भी दुनिया के अंदर सर्वाधिक मांग भारतीय आयुष पद्धति की ही हो रही थी। सबने यह माना कि भारतीय आयुष पद्धति संपूर्ण आरोग्यता प्रदान कर सकती है। वास्तव में भारतीय आयुष पद्धति हमारे ऋषि परंपरा की तरफ से संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य प्राप्ति हेतु मानवता के कल्याण का प्रशस्त पथ है जिसकी ओर पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है। उन्होंने कहा कि आयुष की मांग पर लगातार बढ़ रही है। जो लोग पहले चाय पीते थे, कोल्ड ड्रिंक लेते थे, कोरोना कालखंड में उनमें से बहुतायत काढ़ा पीने लगे। ये भारत के आयुष की देन है। हल्दी भारत की रसोई का प्रमुख हिस्सा है। आज दुनिया के अंदर इसकी बढ़ती हुई मांग भारत के किसानों के लिए एक नए अवसर को भी प्रदान करती है। योग से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों की प्राप्ति होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी परंपरा शरीर को धर्म का साधन मानती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति, चाहे वह नौकरशाह हो, उद्योगपति हो या फिर किसान मजदूर, अपना कार्य अच्छे से तभी कर पाएगा जब उसका शरीर स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्यतः शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग व्यायाम या एक्सरसाइज कर लेते हैं, पर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए साथ मानसिक स्वास्थ्य भी चाहिए। योग ऐसी विद्या है जो स्वस्थ शरीर के साथ हमें स्वस्थ मस्तिष्क भी देती है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।